हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैलने लगा है। आए दिन दर्जनों मामले कोरोना संक्रमण के सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। जहां जनवरी महीने में हिमाचल कोरोना फ्री हो गया था, वहीं अब एक बार फिर से कोरोना संक्रमण सक्रिय हो गया है। कोरोना की सक्रिय होने से लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। कोरोना के बढ़ने के क्या कारण है, इसको लेकर जब IGMC में मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर संजय राठौर से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ने का एक ही कारण है, कोविड नियमों का पालन न करना। उनका कहना था कि 2020-21 में कोरोना के मामले काफी बढ़ गए थे, तब सरकार ने इसे रोकने के लिए काफी प्रयास किए थे और अब लोगों को खुद जागरूक होकर इसे रोकना है। उनका कहना था कि कोरोना को रोकने के लिए एक ही नियम है, मास्क का प्रयोग करना, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना। डॉक्टर संजय राठौर ने बताया कि वर्तमान में नया इन्फ्लुएंजा चल रहा है, जिसमें काफी लोग बीमार हो रहे हैं, वहीं स्कूली छात्र भी बीमार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि आम इन्फ्लुएंजा 4-5 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन अब ये नया वायरस ऐसा है जो 2 सप्ताह बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। ये तो जैसे कि आपको पता ही है कि कोरोना वायरस जो है कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने पहले भी इतने सारी एक्सरसाइज करने के बाद जो है इसको कंट्रोल किया था बड़ी मुश्किलों से, और अपनी इकोनॉमी को भी हमने उसमें दांव पे लगाया था, सब कुछ करके गवर्नमेंट ने इतने अच्छे अच्छे डिसीजन लिए थे। तो मतलब इसमें एक ही चीज़ है जो हम सबको बचा सकती है, तो वो अगेन मास्क पहनना। जब भी आप किसी भी आप पब्लिक प्लेसेस पे जाएंगे तो मास्क पहनेंगे सर, यही एक इंस्ट्रक्शन रहेगी हमारी तरफ से। इससे ज़्यादा कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं है, जिससे की वजह से कि आप नहीं तो आप हर जगह पे वही रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, वही चीज़ें होंगी, तो फिर हमारे इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हमारी तरफ से एक ही एडवाइस है सभी जनता जनार्दन से कि बस मास्क पहने जब भी किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं, या किसी को भी फ्लू लाइक सिम्टम्स हों वो मास्क पहने। जैसे कि आजकल एक अलग से ही नया वायरस चल रहे हैं, जैसे कॉमन इन्फ्लुएंजा भी चला हुआ है साथ साथ में पैरेलल। अभी जैसे आप स्कूलों में जाएंगे, स्कूलों में इतने सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कि सबको ये खांसी और जुकाम हो रहा है, और वो काफ़ी लंबे समय का है इस जो नया जो इन्फ्लुएंजा आया हुआ है। लेकिन मतलब फिर भी इसी वजह से इलनेस प्रोलॉन्ग है। जैसे कि आप जानते हैं, सभी जानते ही हैं कि वायरस जो है 5 या 10-7-8 दिनों में ठीक हो जाता है ऑटोमेटिकली, जो अभी हमें पहले कॉमन कोल्ड हुआ करती थी। लेकिन अब वाली जो कॉमन कोल्ड जो हमारे पास इस तरह के जो पेशेंट्स आ रहे हैं, वो इस तरह के सिम्टम्स लेके आ रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक है जी, फीवर ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा ये तो नज़ला काफ़ी तक चला हुआ है, या फिर खांसी बहुत लंबी रह रही है, 1-2 महीने तक लोगों को खांसी रह रही है। तो इस तरह से मतलब प्रोलॉन्ग सिम्टम्स रह रहे हैं जो अब वाले जो इसमें जो अब नया एक जो इन्फ्लुएंजा का वेरिएंट देख रहे हैं अभी वाले में जो है। तो हमारी तरफ से यही एक सभी लोगों को एडवाइस है कि मास्क पहने सर जब भी पब्लिक प्लेसेस पे जाएं। यहाँ पे भी जैसे कि जनरल पेशेंट्स में OPD में भी हैं, लेकिन हम हर पेशेंट्स को अभी स्क्रीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल कॉमन जैसे मैंने अभी आपको बताए हैं कि जो लंबे सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे किसी को लंबे समय से खांसी रह रही है, नज़ला लंबा खींच रहा है, कि नाक बह रहा है बिना किसी और अदर कि सैचुरेशन ठीक है, आपका चेस्ट वगैरह सब ठीक है, तो ऐसे मरीज जो है हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, जाकि कि स्टार्टिंग वाले जैसे कि अभी मेरे को जी जुकाम है सिर्फ।